हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ थोड़ा सा जल्दी, और अभी मैं थोड़ा सा रेडी होऊंगा, और उसके बाद मुझे जो आज एक स्पेशल काम से निकलना है, और वो ये है कि आज हमारी कार का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आने वाला है। हमने फैंसी नंबर जो है वो बुक कराया था, मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, बट आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा जो नंबर है वो हमने लिया, और रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने कहाँ का कराया है। मैं आप लोगों को हिंट दे दूँ, मैंने जो है दिल्ली का तो नहीं कराया, कहीं और का कराया। तो आप लोग गेस करें और कमेंट करके बताएं कि मैंने कौन से जो स्टेट का है रजिस्ट्रेशन मैंने कराया। सो गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं जीप लैंडमार्क शोरूम, जो कि यहाँ पर बदरपुर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पूरा शोरूम। और अब जो कार का जो नंबर प्लेट है वो मैं यहाँ पर लगवाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कार दिखा दूँ। साथ ही एक और काम भी मुझे कराना है कार के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जो टेम्प नंबर है वो अभी भी लगा हुआ है। ऑलमोस्ट 1.25 महीना हो चुका है गाड़ी को आए हुए, और मैंने आप लोगों को हिंट दी थी कि दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है, तो इसीलिए जो है इतना जो टाइम है वो मुझे मिल गया, वरना अदरवाइज़ सेम स्टेट के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता। उसी टाइम पर ही जो नंबर प्लेट है वो लग कर आती है। सो गाइज, ये एसेसरी है जो मुझे लगवानी है कार के अंदर एडिशनल। सबसे पहले आप लोग देख लो ये क्या चीज़ है। लेंस रिफ्लेक्टर एम्बिएंट लाइटिंग है जो कार के अंदर मैंने लगवानी है। 3976 की ओरिजिनल मोपर की है, जो कि जीप के साथ ऑथराइज्ड है अपनी एसेसरीज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो मोपर है और ये पूरा वायरिंग वगैरह है। और चार इसके अंदर जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो है, जो कि दो फ्रंट पैरों के पास लगेंगी और दो पीछे रियर सीट्स के नीचे लगेंगी, और पूरा जो ब्लू इफेक्ट है वो आने वाला है। सो अभी इसकी जो पूरी इंस्टॉलेशन है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसके बाद नंबर प्लेट भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पिलर वगैरह हैं वो पूरे ओपन होंगे, और उसके बाद जो है पूरी जो वायरिंग है वो यहाँ से अंदर जाएगी। कोई भी वायरिंग में कटिंग नहीं कराने वाला हूँ, जो कपलर टू कपलर सिस्टम होता है वही कराऊंगा, क्योंकि वायरिंग कटिंग से जो कार है वो ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि भैया ने पूरा पिलर खोल दिया है, और अब जो वायरिंग है वो यहाँ से डाल रहे हैं। और आप वीडियो में बने रहें, जो नंबर है वो भी मैं आप लोगों को आगे बस दिखाने ही वाला हूँ। यहाँ पर जो है डैशबोर्ड का भी उतारना पड़ेगा, और यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, ये है कपलर, जिससे कि वायरिंग कटिंग नहीं होती है, और जो भी आगे हमें वायरिंग में देना होता है पॉइंट, वो हम यहाँ से इजीली दे सकते हैं। सो कोई भी वायरिंग कटिंग मैं नहीं करा रहा हूँ। दो जो कपलर्स हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं, और जिस भी वायर से करंट जाना है वो इसके थ्रू ईजिली चला जाता है, और कोई भी शॉर्ट सर्किट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। सो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ऑथराइज सेंटर से काम कराएं, जिससे कि वारंटी वगैरह कोई भी वॉइड ना हो। इसलिए मैं जीप से ही मोपर की जो पूरी एम्बिएंट लाइटिंग है वो लगवा रहा हूँ। अदरवाइज़ बाहर जो है मार्केट में वो सस्ती मिल जाती है, बट स्टिल आई ट्रस्ट जीप मोपर। और यहाँ पर आप देखो, जो दूसरा कपलर है अब वो भी लग चुका है। सो अगर आपके पास भी कोई नई कार है ना, तो आप भी इसी कपलर टू कपलर सिस्टम से ही हमेशा वायरिंग कराएं। जो बीच में वायरिंग कटिंग होती है वो सब काम बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि वो जो है कार की सेफ्टी को कहीं ना कहीं एक हार्म कर देती है। सो उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट जो काम है अब वो हो ही चुका है, और ये जो पूरी वायरिंग है वो यहाँ पर लग चुकी है। अब इसको जो है भैया ने पूरा बंद कर दिया है, और ये अंदर की साइड रहेगी, और उसके बाद जो पूरा साइड का बॉक्स है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा बंद कर दिया है, और बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है कि इसको खोला भी था। सो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन जो काम है वो ऑथराइज सेंटर्स पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो जो वायरिंग है वो हो चुकी है। लाइट मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा, सबसे पहले अब मैं आपको नंबर प्लेट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो नंबर प्लेटिंग का प्रोसेस है, जो नंबर प्लेट हमारी टेम्प वाली वो उतरने का प्रोसेस चालू हो चुका है। फ्रंट की हम उतारेंगे, और जो जीप कंपास है इसके अंदर फ्रंट में जो पूरा ये प्लेट होती है, इसके पीछे का जो फ्रेम है वो लगा लगाया आता है, उसको अलग से परचेज नहीं करना पड़ता। मैंने रियर का परचेज़ किया है, उससे पहले मैं आप लोगों को नंबर अब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, ये है हमारी कार का नंबर, और आपको नंबर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। UK 19 2400 फैंसी नंबर मैंने परचेज़ किया है, इसे VIP नहीं कह सकते। और रियर के लिए जो है इस तरीके की फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पीछे नहीं होता। काफ़ी लोग क्या है, खाली प्लेट सीधी पकवा लेते हैं, उससे क्या होता है हाई स्पीड में या गड्ढों वगैरह में चलते हैं तो प्लेट जो है बॉडी से टच होकर आवाज़ करती है, बट फ्रेम अगर लग जाता है तो उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आती। और दूसरी चीज़, फ्रेम लगने की वजह से काफ़ी अच्छी जो लुक है वो आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 375 रुपीज़ की जो फ्रेमिंग है वो है, इसके ऊपर जीप का लोगो भी है, और अब भैया जो है इसके अंदर फिट करेंगे। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जो नंबर प्लेट है उसको फ्रेमिंग के अंदर लगने का जो प्रोसेस है
वो ऑलमोस्ट चालू हो चुका है और जस्ट इसको साइड से ओपन करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 375 रुपीज़ की मैंने ये फ्रेमिंग परचेज़ की है, पर जो नंबर है वो मैंने 25,000 का नहीं परचेज़ किया, क्योंकि दिल्ली के अंदर 25,000 रुपये का नंबर है, बट उत्तराखंड के अंदर जो नंबर है वो सिर्फ 10,000 रुपये का है। तो 10,000 रुपये में जो नंबर है वो फैंसी नंबर मैंने अलॉट किया है परिवहन की वेबसाइट से। अगर आपको भी कोई फैंसी नंबर वगैरह अलॉट करने हैं या ख़ुद आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली परिवहन की वेबसाइट से जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। सो फैंसी नंबर जो हैं वो ईज़िली अब मिलना चालू हो चुके हैं। अगर आप 0001, 0002, 0003 ये सब नंबर आप लेना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे नंबर है, बट अगर 00 या फिर आप 88 ऐसे नंबर्स लेना चाहते हैं फैंसी वाले तो वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पूरा प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और फ्रेमिंग भी अब हो चुकी है। सो कमेंट करके बताओ, देखो जो एक नंबर प्लेट विदाउट फ्रेमिंग की है और एक फ्रेमिंग के साथ है कितनी अच्छी लग रही है फ्रेमिंग के साथ। सो ये चीज़ ना फ्रेम लगने के बाद जो कार की लुक है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। अब इसके बाद जो है भैया जो रिपिट वाला सिस्टम होता है जो कि कभी कोई ना निकाल सके, सो वो चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। नट बोल्ट वगैरह मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। सो ये जो चीज़ है ना इससे कभी नंबर प्लेट गिरती भी नहीं है, कोई इसे निकाल भी नहीं सकता, टूट के ही निकलेगी अगर कभी किसी को निकालनी होगी। सो ये सेम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपको नंबर कैसा लगा। सो ये पूरी अब टाइट हो चुकी है। अब मैं आपको आगे की जो प्लेट है वो भी फटाफट से दिखा देता हूँ कि कार कैसी लग रही है। सो गाइस ये है फ्रंट लुक। कमेंट करके बताएं, एक बीस्ट वाला जो लुक है ना फ्रंट में ब्लू कलर के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जीप में आपने ये वाला जो कलर है कंपस के अंदर वो काफ़ी कम देखा होगा रोड्स के ऊपर, इसीलिए मैंने थोड़ा जो यूनिक कलर है वो यहाँ पर परचेज़ किया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, रियर लुक भी आप देख सकते हो, UK 19 2400। कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो दूर से अगर कोई देखेगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नंबर, क्योंकि डिजिट्स इसके अंदर कम है। मैं आपको लाइट्स भी दिखा देता हूँ जो मैंने लगवाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमबिएंट लाइटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और लाइट कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताएं। जब भी डोर ओपन होगा उसके बाद जो एमबिएंट लाइटिंग है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर भी आप रियर की भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो है वो रियर में भी है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये लाइट्स कैसी लगी। बाकी कुछ इस ब्लॉग में सर इतना ही, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों से और चीजें शेयर करने वाला हूं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये नंबर कैसे लगा, ये एम्बिएंट लाइटिंग कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय एंड जय हिंद। तो ये ऑन हो जाएगी लाइट वगैरह।